हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है। अभी तो यहाँ पे कुछ लेवल्स देखेंगे। अभी तो देख सकते हो ऊपर के लेवल से 3 दिन की हम गिरावट देखे। अगर तो यहाँ से 20 तारीख से अगर यहाँ तक गिने हम, ठीक है, तो आप देख सकते हो 200 पॉइंट गिर चुका है और 1.92%। ओके, ऊपर के लेवल से यहाँ पर लाइन देख सकते हो। तो अभी ये गिरावट यहाँ कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी ये कुछ टारगेट है अभी यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो इसी जो लाइन है इसके अंदर आते हैं टारगेट सब। तो मतलब कि अभी गिरावट का चांस है अभी आगे भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी वीकनेस है ग्लोबल मार्केट में। इसीलिए तो आप देख सकते हैं इसी हाई और लो पे बना है यहाँ पे पिच फोर्क। आप देख सकते हो यहाँ पे तो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो, अगर ये 500 के नीचे जाएगा, ठीक है, तो 470 तक दिखाई दे रहा है, और उसके भी अगर अब आगे ले जाए, ठीक है, आप देख सकते हो अगर 500 का लेवल तोड़ेगा तो 440 तक भी यहाँ पे है जो टारगेट है। तो निफ्टी अभी 450 तक जा सकता है अगर ग्लोबल मार्केट जो है वो रिकवर नहीं हुए तो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है, कल का, इंट्राडे का, गुरुवार का, ऑलमोस्ट 73% टूट चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक यहाँ मिला था, टिक नहीं पाया, वापस से नीचे गिर गया। और आज का हम आज देख ले अभी डाउ जोन्स का फ्यूचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउ जोन्स 69% माइनस में, और नैस्डेक 26% माइनस आज शुक्रवार को भी। तो देख सकते हो अभी ग्लोबल मार्केट में भी कमजोरी है अभी जो फ्यूचर है। तो अभी रात को जो मार्केट है ओपन होके तो देखना पड़ेगा क्या होता है इसमें। और अभी हैंगसेंग देख सकते हो अभी 78 पॉइंट माइनस में है दोस्तों, ठीक है। अभी हैंगसेंग का मार्केट भी 78 पॉइंट है, तो मतलब कि इसमें भी अभी गिरावट तो रहेगी। तो डाउ जोन्स और हैंगसेंग दोनों साथ में कमजोर हो तो अभी थोड़ी वीक वाली ज्यादा होगी निफ्टी में, ऐसा लग रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं अभी 500 का लेवल ये तोड़ेगा अगर, ठीक है, 10,500 का, तो फिर 10,450 तक ये जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट थे निफ्टी के, अभी वीकनेस है इसमें चार्ट में। अभी आप देख सकते हो ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाया था यहाँ पे, और अचानक से सेकंड हाफ में तो गिरावट आ गई 3 बजे के बाद। यहाँ से 2 बजे से शुरू हुई थी, 13 बजकर यानी 1 बजे से शुरू हुई थी गिरावट, जो 3:30 बजे तक रही। तो उसमें कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं थी, यहाँ पे रिकवर करने का चांस एक था, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ रेजिस्टेंस था इसमें, कुछ सपोर्ट यहाँ पे नहीं ले पाया ऊपर के लेवल पे भी, तो वापस से गिरावट शुरू हुई है इसमें। आप देख सकते हो कंटिन्यू, तो लगता है 500 का लेवल तोड़ेगा तो अगला टारगेट है 450 का। तो देखेंगे अभी कि आज का रात का मार्केट जो है वो कैसा रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।